बचपन से ही हमने डायन और भूतों की कहानियां अपनी नानी दादी मम्मी से सुनी है, और आजकल अगर आप गौर करिए तो टेलीविजन पर सिर्फ और सिर्फ सुपरनैचुरल शोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, चाहे वो नजर हो चाहे वो नागिन हो। लेकिन एन टीवी ने भी अब अपना एक दावा फेंका है अपने नए शो के जरिए, जिसका नाम है डायन। वह नाम काफी खतरनाक था और शो का पहला प्रोमो भी कुछ ऐसे ही था। जब एन टीवी ने शो का पहला प्रोमो लॉन्च किया, जैसे ही मैंने प्रोमो ऑन किया, मुझे थोड़ा अजीब नहीं बिल्कुल बहुत अजीब लगा, क्योंकि शो की शुरुआत में ही आपको एक बहुत ही बदसूरत छिपकली दिखाई देगी। जी हाँ, नागिन हो गया, मक्खी हो गई। लेकिन अब सुपरनैचुरल शोज में जो राज करेगी वो है छिपकली यानी लिजर्ड। शो की शुरुआत में ही छिपकलियों का झुंड है, झुंड में काफी सारी गंदी चीजें हैं, लेकिन डायन जरूर है। ये डायन ऐसी है जिसके नाखून लंबे हैं, दिखती काफी बदसूरत है। डायन को अभी हमने टेलीविजन पर सुंदर डायन भी देखी है, चाहे वो मोनालिसा की बात हो, जो नजर में काफी सुंदर डायन है। लेकिन डायन जो एन टीवी का सीरियल है, वहां पे इस वर्ड को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि शो के पहले एपिसोड में व्यूअर्स को क्या क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिला। वेल, शो में ली टीना दत्ता को देख के ही उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए। ये सही बात है कि टीना दत्ता ने काफी लंबे समय के बाद छोटे पर्दे पर वापसी की है, जो उन्होंने हमें इंटरव्यू में भी बताया था कि हाँ, वो कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रही थी। और डायन ये कॉन्सेप्ट जो आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट भाग गया और उन्होंने उसे वक्त तय कर लिया कि वो एक शो करेंगी। और इस शो में भी वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। टीना दत्ता का नाम इस शो में है जानवी। जानवी एक बहुत ही प्यारी, चुलबुली, काफी सॉफ्ट हार्टेड, हेल्पिंग लड़की है। लेकिन उसकी परवरिश भले ही उज्जैन में हुई हो, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई दिल्ली में पूरी की है। और काफी कुछ घर में फंक्शंस चल रहे होते हैं, तब जानवी सोचती है कि अब मैं करीब 3 साल बाद अपने घर उज्जैन जाऊंगी। ट्रेन में सफर कर रही होती है, अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है, जो दो लड़कियां कॉमन कॉन्वर्सेशन करती है शादी, टीना दत्ता यानी जानवी भी इसी टॉपिक पर कहती हैं, जहां जानवी कहती है कि मेरा उज्जैन काफी खूबसूरत है, इस शहर में पैर रखती हूँ तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है। जिस पर जानवी की दोस्त कहती है कि शादी को लेकर तुम्हारा क्या विचार है, जिस पर जानवी कहती है कि मुझे तो शादी नहीं करनी है, जिसके पीछे की वजह वो पूरे ट्रेन में ही बता देती हैं, जहां वो देखती है कि जो दुल्हन अब घूंघट में है, कुछ महीनों बाद ही वो अपने सास से जबान जरूर लड़ाएगी, और ये सब रीजन है जो वो शादी नहीं करना चाहती। वेल, अब बात करूँ जानवी के परिवार की। जानवी के परिवार काफी हैप्पी फैमिली है, लेकिन उनके जो भैया है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बड़े भैया जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने जानवी को हमेशा रिजर्व्ड वे में रखा है। वेल, जानवी के घर पे उनकी भाभी की घोर बढ़ाई होती है, और दिल्ली से वो अपने 3 दोस्तों को लेकर आती है, और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचती है, उन्हें भीड़ इकट्ठा कर लेती है। इसके पीछे की वजह शो के पहले एपिसोड में नहीं बताई गई, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरती है, पब्लिक आती है, उनके साथ सेल्फी खींचती है, पोस्टर्स बनाना चाहती हैं, जहां उनके भैया आते हैं एक सेफगार्ड बनकर, और वो सबको चकमा चका देते हैं। और भैया जानवी को पूछते हैं कि ये तीनों कौन हैं, जहां जानवी कहती है कि ये तीनों मेरे दोस्त हैं। घर में एंट्री होती है, लेकिन ट्रेन में जब जानवी शादी के एग्जाम्पल्स बता रही होती है, तभी उसका पहली बार सामना होता है एक बुरी शक्ति से। लेकिन ये शक्ति काफी खूबसूरत है। जानवी अब नीचे ट्रेन के कंपार्टमेंट के डाउन सीट पर बैठी होती हैं, और ऊपर वो डायन की बुक गिर जाती हैं। जानवी बातों बातों में थी, लेकिन जैसे ही वो डायन का लुक देखती है, उनका दिल जरूर दहल जाता है, और वो एक बुरा सपना देखती है कि ये डायन एक बच्चे को लेकर जा रही होती है, और वो सपना इतना ज्यादा डरावना है कि आपको भी कहीं ना कहीं ये जरूर लगा होगा कि शायद जानवी की मुलाकात डायन से हो गई है। लेकिन शो के एंड में ये बताया गया था कि वो जानवी का सपना था। वैसे सपने में हमें काफी सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन काफी सारी चीजें हम भूल जाते हैं। लेकिन जानवी का यूनिक पॉइंट ये है इस कैरेक्टर का कि इसे अपने सपने पूरे याद रहते हैं। जैसे जानवी अपने घर की गली में एंट्री करती हैं, उसको वो बच्चा असली में दिख जाता है, जिसे देख जानवी काफी ज्यादा सहम जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर उनके भैया उन्हें घसीट के घर ले आते हैं। वेल, घर में एंट्री तो कर रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस डायन की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो छिपकली, जो जानवी का हर ओर से पीछा कर रही है, चाहे वो जानवी का कमरा हो, चाहे वो जानवी का घर हो, चाहे वो जानवी का कॉलेज ही क्यों ना हो, लेकिन ये छिपकली ही है असली डायन। वेल, जैसे ही घर में एक फंक्शन होता है, जानवी काफी खुशी से डांस वांस कर रही होती है, लेकिन उसे यह आभास जरूर है
कि उसके पीछे कोई बुरी शक्ति ने उसे घेर रखा है। वेल, शो का शॉकिंग पॉइंट ये रहा कि जानवी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था मानवी, जिसकी मौत हो गई है और ऐसा माना जाता है कि मानवी पर भी किसी बुरे साये ने जोरदार उसे पकड़ के रखा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये बात जानवी नहीं जानती। ये बात जानवी के घर वाले जानते हैं कि उसकी बड़ी बहन की मौत कैसे हो गई थी, और जानवी के भैया अपनी बहन को वापस उस कुएं में ढकेलते हुए नहीं देख सकते। वो अपनी बहन को बचाना चाहते हैं। पर शो के पहले एपिसोड में आपको डायन नहीं बल्कि डायन की जो हथियार मैं कहूँ छिपकली जरूर नजर आई, लेकिन शो के एंड में द हैंडसम हंक मोहित मल्होत्रा नजर आए जो जानवी के कड़े दुश्मन हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर शो की शुरुआत दुश्मनी से होती है और आफ्टर अ पॉइंट वो फ्रेंडशिप और लव में बदल जाती है, वैसे ही कुछ होगा डायन में भी, जहाँ एंड में जाकर आपको मोहित मल्होत्रा की एक झलक दिखाई देती है जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मैन है, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन जानवी से इनका क्या रिश्ता है ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। मैं शो का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यू फेसेस है, न्यू स्टोरी है, न्यू प्रोटैगनिस्ट है। अब हमें नागिन, डायन, बड़े बाल सब बहुत कुछ देखा, लेकिन छिपकली को एक शो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और जी हाँ, ये छिपकली है जो व्यूअर्स का अटेंशन गेन करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। पहले आपको शो का पहला एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, लेकिन टेलीविजन की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।